हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गणेश चतुर्थी आने वाली है तो उसके लिए मैं आज बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली ओरियो बिस्किट से बनाऊंगी, जो मैं चॉकलेट मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ। सो लेट्स ट्राई। ओरियो से मैं मोदक बनाने वाली हूँ। देखिए हमारे गणपति बप्पा कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मैंने यहाँ पर छोटे पैकेट्स लिए हैं, 6 पैकेट्स। आप बड़े पैकेट हो तो कम पैकेट यूज़ कीजिएगा। इनको सबको हम फाड़ के इसका रैप निकाल लेंगे। और इसमें वाइट क्रीम वाले बिस्किट्स भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मुझे यही मिले इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो इसका क्रीम हम निकाल लेंगे सारे बिस्किट्स से। ये इस क्रीम से बहुत ही टेस्टी सी स्टफिंग बनाएंगे हम। अभी क्रश कर लेते हैं हम सारे बिस्किट्स को। ये देखिए हाथों से ही क्रश हो जाते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। और इसका हमें बारीक पाउडर बनाना है, तो ये याद रखिएगा कि बिल्कुल बारीक होने चाहिए। बिल्कुल भी देखिए इसमें बिल्कुल भी टुकड़ा नहीं है बिस्किट्स का। अगर आपको लगे तो आप इसको एक बार छान लीजिएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के एक परफेक्ट डो रेडी करेंगे। ना सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही हार्ड। तो मिल्क थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। ये रूम टेम्परेचर का पे लिया है हमने मिल्क। ये देखिए मैंने डो रेडी कर लिया है, और सॉफ्ट सा और ना हार्ड। और ये जो क्रीम है इसकी हम स्टफिंग रेडी करेंगे। ये हमने 2 टेबल स्पून के अराउंड यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है, तो उसको हम ऐड कर लेंगे और सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसका भी रेडी हो गया है डो। और ये मैंने ये इसका मोल्ड है, इसको भी इसमें बनाने वाले हैं। ये छोटे साइज़ का है थोड़ा, इसलिए हम छोटे बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं। और ये जो मोल्ड है इसमें हम थोड़ा सा घी से इसको ग्रीस कर लेंगे। आपका बड़ा साइज़ का मोल्ड हो तो आप बड़े साइज़ के बॉल्स बनाएं। तो अभी ये छोटा सा हम एक लेंगे पेड़ा टाइप का, और इसको अंदर दबाते हुए प्रेस करते हुए चारों तरफ जो कॉर्नर्स हैं जिससे अच्छे से डिज़ाइन आ जाए। देखिए अब मैं उंगली से इसको प्रेस कर रही हूँ, बीच में होल बनाते हुए आप देख सकते हैं। और ये मैंने होल बनाया है जो उसके अंदर अपनी जो बॉल्स बनाए हैं स्टफिंग के, वो इसके अंदर डाल दूंगी और अच्छे से प्रेस कर देंगे। और थोड़ा सा ये बाद में ये वाली जो डो बनाया है वो भी हम इसको प्रेस कर देंगे। अभी हम दिखाते हैं कितना प्यारा मोदक बनके रेडी हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है चॉकलेट मोदक, और बिल्कुल परफेक्टली कितना अच्छे से डिज़ाइन बना है। ऐसे ही हम सारे मोदक बना के रेडी करेंगे। ये देखिए बहुत ही जल्दी बन के रेडी होते हैं, और इसमें गैस भी नहीं जलाई है मैंने, और ये 5 से 10 मिनट में बन के बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए सारे मोदक बन के रेडी हो चुके हैं। और अभी जिनके पास मोल्ड नहीं है उनके लिए मैं बताती हूँ, हाथों से एक ऐसे रोल टाइप का बना लेंगे, पूड़ी टाइप का, और उसके अंदर हम अपनी स्टफिंग भर लेंगे और गोल राउंड लड्डू की तरह बना देंगे इसको। और थोड़ा हाथों से प्रेस करते हुए, ये देखिए मैंने लंबा सा शेप दे रही हूँ मैं, ये देखिए मोदक का शेप दे रही हूँ। और एक कुछ भी आप टूथपिक ले लीजिए, फॉक ले लीजिए, उससे एक डिज़ाइन बना देंगे। तो जिसके पास मोल्ड नहीं है वो हाथों से भी इसको बना सकते हैं आराम से। वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, तो बच्चों को भी पसंद आते हैं। और हमारे गणपति जी के लिए हैं तो उनको तो पसंद आने ही वाले हैं, उनका तो फेवरेट है मोदक। ये देखिए मैंने दोनों हाथ से बनाए हैं और ये मोल्ड से बनाए हैं। सो अगर आपको मेरी ओरियो बिस्किट से मोदक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।